नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हिंदी में इसे संकुल यौगिक या जटिल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन का अर्थ हिंदी में होता है उपसहसंयोजक और कॉम्प्लेक्स का अर्थ हिंदी में होता है जटिल या संकुल यौगिक। केवीएस पीजीटी एंड आरपीएस की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैं मेरे चैनल में करवाने जा रही हूँ। उन दोनों ही पेपर के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवीएस वालों के लिए आपको 3 क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलेंगे पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में, और आरपीएससी फर्स्ट वालों के लिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओनली इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगी और हर एक चीज को कवर करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो मेरे साथ मेरी इन वीडियोस में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के बारे में। आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और एडिशनल। क्या डिफरेंस है? सिंपल मतलब क्या होता है? जिसमें एक कटायन एक अनायन हो। फॉर एग्जांपल आप देखें KCl, NaCl या Al2SO4 की थ्राइस, तो इसमें क्या है, एक ही कटायन है लाइक K और Cl, एक ही टाइप का कटायन है और एक ही अनायन है NaCl, एल्यूमिनियम SO4। तो सिंपल सोल्ट, जिन्हें हम सिंपल सोल्ट भी बोलते हैं, तो सिंपल कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें एक कटायन और एक अनायन हो। इसके अलावा दूसरे टाइप के कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एडिशनल, जिसे हिंदी में योगात्मक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा आयंस होते हैं, मतलब या तो एक कटायन होगा और 2 अनायन होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CuCO3 मैलेकाइट CuOH की ट्वाइस, तो या तो इसमें क्या होगा, एक कैटायन एंड 2 एनायन होंगे, या एक एनायन 2 कैटायन होंगे। ठीक है, एक एनायन 2 कैटायन, फॉर एग्जांपल आपका है कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2। तो आप देख सकते हैं कि 2 से ज्यादा टाइप के आयन है, लाइक Cu है, एक CO3 है और एक OH है। तो 2 से ज्यादा टाइप के जब आयन होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एडिशनल कंपाउंड। अब जो एडिशनल कंपाउंड है उनमें ये भी आगे 2 टाइप के होते हैं, आइदर बाइनरी सोल्ट, जैसे ये सिंपल सोल्ट होता है उसमें क्या होता है, एक कटायन और एक एनायन। बाइनरी सोल्ट उसमें मतलब 2 कटायन लाइक के पॉजिटिव Mg+2 और एक एनायन Cl, या 2 एनायन CO3 और OH नेगेटिव और एक ही कटायन Cu+2। तो बाइनरी सोल्ट क्या होते हैं, उसमें या तो 2 कटायन 1 एनायन होंगे या फिर 1 कटायन 2 एनायन होंगे। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, दूसरे टाइप के एडिशनल कंपाउंड, इसमें क्या होता है, आयंस तो 2 से ज्यादा ही होंगे, 2 से ज्यादा आयन। ठीक है, बट जो आयन होगा एक, वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल K4FeCN6 में आयंस आप देख सकते हैं K पॉजिटिव भी है, Fe+2 भी है, CN नेगेटिव भी है। बट ये जो Fe और CN को मैंने जो एक स्क्वेयर ब्रैकेट में रखा है, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या डिफरेंस होता है सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में? जब हम इस बाइनरी सोल्ट को पानी में डिजोल्व करते हैं, एडिशनल कंपाउंड जो कि 2 से ज्यादा आयन से मिलकर बने हैं, इस बाइनरी सोल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? जब आप इस बाइनरी सोल्ट को जल में, पानी में जब घोलोगे, पानी में डिजोल्व करोगे, तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, मतलब कि Cu+2 भी देगा, CO3-2 भी देगा, OH नेगेटिव भी देगा, ऐसे ही KCl, MgCl2, K+ भी देगा, Mg+2 भी देगा, Cl नेगेटिव भी देगा। बट जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में घोलते हो तो ये क्या देता है, ओनली काउंटर आयन, दैट इज द K+, और हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब कि ये जो Fe और CN नेगेटिव, जो कि स्क्वेयर ब्रैकेट में मैंने एक चीज लिखी है, ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखी है, ये क्या होती है, ये चीज आयोनाइज नहीं होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है वो फर्दर पानी में नहीं टूटता है Fe और CN नेगेटिव में। तो इस आयन को क्या कहते हैं, हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं।
तो आपने देखा कंपाउंड्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक सिंपल और एडिशनल। सिंपल में एक कटायन एक अनायन होता है, एडिशनल में दो से ज्यादा होंगे, या तो दो कटायन और एक अनायन होंगे, या तो दो कटायन और एक अनायन होंगे, या एक कटायन दो अनायन होंगे। अब एडिशनल कंपाउंड आगे दो टाइप के होते हैं, बाइनरी साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बाइनरी साल्ट जैसे कि मैलेकाइट, कार्नेलाइट या फिर फिटकरी, K2SO4, Al2SO4, K3H2O, जब इनको हम पानी में घोलते हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, इनमें जितने भी आयन्स होते हैं सब टूट जाते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयन तो वही दो से ज्यादा है, बट एक आयन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ये पानी में आगे नहीं टूटता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, और इनमें जो ये बॉन्डिंग होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल और ये जो अदर आयन है जिन्हें हम लिगेंड बोलते हैं, मेटल और लिगेंड में जो बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, इसलिए ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो सबसे पहले आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या चीज होती है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो आपको अब पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। आपने जैसे FeCN6 में देखा कि मेटल Fe है, मेटल और लिगेंड जो ये कि LNL मतलब कि लिगेंड जो यहाँ क्या है CN है 6। तो बेसिकली क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन कैसा बनता है कि जो मेटल होती है वो क्या करती है, लोन पेयर एक्सेप्ट करती है। तो मेटल क्या कहलाती है, आपकी लीविस एसिड। और ये जो LN होता है जैसे CN है, ये क्या देते हैं, इनके पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर देते हैं। लीविस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एसिड AA, एसिड AA एक्सेप्ट। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, AA। और जो LN क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर देते हैं। तो लुईस एसिड बेस थ्योरी में भी हम पढ़ते हैं कि लुईस एसिड और लुईस बेस में क्या होता है, ये LN मेटल को लोन पेयर देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, MLNS तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और ऊपर चार्ज जाता है। तो मैटर और लिगेंड का जो चार्ज्ड ग्रुप होता है, इस आयन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि कोई जैसे अपना लोन पेयर दे रहा है L मेटल को, तो इस लोन पेयर पे इस लिगेंड का तो हक है ही, ये पूर्णतया नहीं दे रहा इस मेटल को, और मेटल भी एक्सेप्ट कर रही है, तो इस मेटल का भी हक है। लेकिन मेटल सिर्फ ये पूरा पेयर ग्रहण कर रहा है, और ये जो होता है लिगेंड, ये कम्प्लीटली नहीं दे रहा, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये शेयर कर रहा है पूरा अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ। तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब दोनों का हक रहता है इस पे। अब कॉम्प्लेक्स ये होता है कॉम्प्लेक्स आयन, जो मैटर और लिगेंड से मिलकर बना हुआ जो चार्ज्ड ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अब आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉम्प्लेक्स आयन में आपने देखा ये है कॉम्प्लेक्स आयन, तो यहां आपने देखा कि एक होती है सेंट्रल मेटल एटम और एक होता है लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो कि जिनमें डी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इस कारण ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये क्या होते हैं, इनके पास लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है, ये क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देती हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन दीज मेटल एंड लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पे ये 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा याद रख सके तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आप आगे जाके देखोगे कि बहुत से क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। जैसे कि Fe+2, Cr+3, CO+3, Pt+4, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, फिक्र कोपट को कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। कभी कभी 4 भी होता है, मैं कभी कभी की बात नहीं कर रही। ऑलमोस्ट क्या होता है, पीटी, यहाँ पे यह ध्यान रखने वाले, प्लेटिनम जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ऐसे ही निकुजन पट,
बट प्लेटिनम जब प्लस टू में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है चार, कभी कभी टू भी होता है, कभी कभी की बात नहीं कर रही। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ए डी प्लस सी यू प्लस और ए यू प्लस, इनका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर दो। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल ए जी प्लस सी यू प्लस का टोलेंस अभिकर्मक जो हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है ए जी एन एस थ्री की ट्वाइस प्लस। तो आपने देखा कि ए जी प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है टू। तो ये मैटर्स के कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने कुछ दिए हैं, अगर हो सके तो इन्हें याद रखना ताकि आपके आगे जाके कुछ सवाल तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही सही होए, उनमें गलती की कोई संभावना नहीं रहे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड। अब हम पढ़ते हैं पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ क्या क्या डिनोट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिया है सी यू एन एच थ्री की फोर एस ओ फोर, तो ये चीज़ क्या करती है टॉप लेफ्ट में जो होती है ये चीज़ डिनोट करती है सेंट्रल मेटल एटम मेटल आयन। ओके ये चीज़ जो होती हैं ये स्मॉल ब्रैकेट में जो होती हैं ये चीज़ डिनोट करती है आपके लीगेंड। ये जो बाहर जो आयन रहता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ, वो डिनोट करता है काउंटर आयन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी चीज होती है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज को कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो चीज होती है ये जो छोटे ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर, और इस कंप्लीट सारी चीज को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो आपने देखा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहली चीज क्या होती है सेंट्रल मेटल आयन, फिर उसके बाद क्या आते हैं लिगेंड्स, जितने अमाउंट में लिगेंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की चीज होती है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट पे जो चार्ज होता है उसको बैलेंस करती है उसको क्या बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है ये स्क्वायर ब्रैकेट की वाली सारी चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो टोटल चीज होती है कंपाउंड की इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जैसे एक और एग्जांपल से हम सब समझते हैं, फॉर एग्जांपल के फोर एफ ई सी एन सिक्स के फोर एफ ई सी एन सिक्स, तो ये वाली चीज क्या होगी काउंटर आयन। ये क्या हो गया सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल, ये क्या हो गया लीगेंड, ये क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके और ये काउंटर आयन हो गया, ये सेंट्रल मेटल हो गया, ये लीगेंड हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये क्या हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और टोटल सारी चीज को क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। आई होप आपको अब सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे लिगेंड्स क्या होते हैं। सेंट्रल मेटल आयन मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो ये इजिली बॉन्ड बना लेते हैं लिगेंड से, लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, लिगेंड्स वो आयनिक स्पीशीज होती है जो कि सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर प्रोवाइड करवाती है। तो लिगेंड बेसिकली वे स्पीशीज जो होती है जो कि क्या करती है लोन पेयर देती है, तो ये क्या होते हैं लोन पेयर डोनर। ओके ये तो चीज हमने पढ़ ली। अब लिगेंड्स जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड। वे लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इनके सभी लिगेंड्स के पीछे सफिक्स क्या होता है, नेमिंग जब हम करते हैं तो सफिक्स क्या ओ लगा दिया जाते हैं, जैसे कि एफ नेगेटिव को फ्लोरो फ्लोराइड होता है तो फ्लोरो, एच नेगेटिव को हाइड्राइडो, ओ माइनस टू को ऑक्सो, ओ एच नेगेटिव को हाइड्रोक्सो, एन एच टू नेगेटिव को एमाइडो, एन एच माइनस टू को इमीडो, एन माइनस थ्री को नाइट्राइडो, एन थ्री नेगेटिव को एजाइडो। तो इनके सबके पीछे सफिक्स ओ लगा दिया जाता है जब नेमिंग करते हैं। अब जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं ये हमारे फर्दर तीन टाइप के होते हैं,
नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जो होते हैं ये फर्दर तीन टाइप के होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड एंड बाईडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड, इसको हिंदी में उभय दंतु भी बोलते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम बट डोनर एटम डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सी एन नेगेटिव साइनो है, इसमें क्या होता है, इस सी एन नेगेटिव में देख लो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें क्या होता है कार्बन भी लोन पेयर दे सकता है और नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है। अगर तो कार्बन के पास लोन पेयर, कार्बन लोन पेयर दे रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, साइनो लिगेंड का। अगर नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। ऐसे ही एस सी एन नेगेटिव है, अगर सल्फर लोन पेयर देता है तो नाम क्या हो जाता है, थायोसाइनेटो, या थायोसाइनेटो सल्फर भी लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। अगर नाइट्रोजन लोन पेयर देता है तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एन भी लिख देते हैं। ऐसे ही सी NO नेगेटिव कार्बन लोन पेयर देता है तो बोलते हैं साइनेटो, नाइट्रोजन लोन पेयर देता है तो बोल देते हैं आइसोसाइनेटो। ऐसे ही NO2 नाइट्रोजन लोन पेयर देता है तो बोल देते हैं नाइट्रो, और ONO मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन सबके सेम है बट डोनर एटम डिफरेंट डिफरेंट है। अगर ONO दे रहा है तो आइसोनाइट्रो या नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि CONH3 की 5NO2, तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाएगा, आपके नाइट्रो कॉम्प्लेक्स। अगर यदि CONH3 की 5ONO कॉम्प्लेक्स तो इसको क्या बोलेगा, आइसोनाइट्रो नाइट्रो कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या बोला जाएगा, आइसोनाइट्रो या नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स, आइसोनाइट्रो या नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है हमारे जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनका, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड को हिंदी में इसे परिवर्तनशील दंतता भी बोलते हैं। परिवर्तनशील, इसका क्या मतलब होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अपनी मतलब लोन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर जो जितने देते हैं उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी, ठीक है। तो वो छह लोन पेयर तो अपनी डेंटिसिटी चेंज करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल EDTA है, वो कुछ कॉम्प्लेक्स में तो दिखाता है कि वो छह लोन पेयर देता है, कुछ कॉम्प्लेक्स में दिखाता है कि वो पांच ही लोन पेयर देता है, कुछ कॉम्प्लेक्स में दिखाता है कि वो चार ही लोन पेयर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे COEDTA है, तो इसमें ये दिखाता है कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो EDTA होता है ये क्या दिखाता है, जो EDTA होता है उस कोबाल्ट आयन होता है, ये क्या दिखाता है, प्लस सिक्स कोबाल्ट आयन जो होता है ये क्या दिखाता है, सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है, फिक्र कोपट को हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ EDTA क्या दिखा रहा है, सिक्स कोऑर्डिनेशन दिखाता है। ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स है COEDTA Cl, तो यहाँ पे EDTA क्या दिखा रहा है, पांच, क्योंकि कोबाल्ट को तो छह ही कोऑर्डिनेशन बनाने, तो पांच EDTA है और एक Cl कोऑर्डिनेशन नंबर है, टोटल हो गया C। ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स है COEDTA Cl2, तो यहाँ पे EDTA क्या दिखाता है, चार कोऑर्डिनेशन नंबर और Cl के दो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टोटल हो गए सिक्स। इस तरीके से फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड क्या होते हैं कि जो अपनी डेंटिसिटी चेंज करते रहते हैं, कुछ में तो ये छह कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाते हैं, कुछ में पांच, कुछ में चार। ऐसे ही SO4-2 है, कुछ कॉम्प्लेक्स में तो आपको दिखाएगा कि एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, कुछ मतलब एक ही लोन पेयर देता है, कुछ कॉम्प्लेक्स में दिखाएगा कि ये दो लोन पेयर भी देता है, मतलब कि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है। तो ऐसे लिगेंड्स क्या कहलाते हैं, फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थर्ड टाइप के नेगेटिव लिगेंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाईडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड। बाईडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, डेंटेड जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, डेंटेड क्या होते हैं कि कितने लोन पेयर दे रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को, तो बाईडेंटेड मतलब कि जब दो दो लोन पेयर दे या दो डोनर एटम जुड़े मेटल आयन से तो उसे हम कहते हैं बाईडेंटेड। पॉलीडेंटेड जब दो से ज्यादा लोन पेयर दे
ऐसे लिगेंड्स को क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड, आल्सो नोन एज चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग बाईडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड भी बोला जाता है। चिलेटिंग मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑफ रिंग, क्योंकि ये लिगेंड क्या करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं मेटल आयन के साथ, इसलिए इनको चिलेटिंग लिगेंड भी बोला जाता है। और चिलेशन जो प्रक्रिया होती है, मतलब रिंग स्ट्रक्चर बनाना, चिलेटिंग लिगेंड का जुड़ना सेंट्रल मेटल आयन को, इसको हम कहते हैं चिलेशन। चिलेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट्स वाई चिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड है जो एक ही लोन पे देते हैं, एक ही कोवेलेंट बनाते हैं, उनसे बहुत स्टेबल होते हैं। अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं हमारे बाईडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड का। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं नेगेटिवली की चार्ज की बात कर रही हूँ, तो C2O4-2, इसे हम ऑक्सीलेटो भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीलेट आयन होता है ओ, इसलिए क्योंकि ऐसे लिगेंड जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसमें ओ सफिक्स लग जाता है, तो ऑक्सीलेटो भी बोला जाता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो ये वाला ऑक्सीजन मेटल आयन से जुड़ता है, ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन मेटल आयन से, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने मेटल आयन के साथ, तो इसे हम कहते हैं बाईडेंटेड लिगेंड, कि ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं या दो लोन पे देते हैं सेंट्रल मेटल आयन को। और ये देखो एक रिंग बन गई है, ये एक रिंग बन गई, इस रिंग स्ट्रक्चर के बनने के कहते हैं हम चिलेट। इस रिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं हम चिलेशन। तो बाईडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ के रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इसमें जो आपने देखा कि ये जो C2O4 है ये सिमेट्रिकल है, इसको दो हिस्सों में काट सकते हैं, तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड, क्योंकि दो लोन पेयर दे रहे हैं या दो डेंटेड मतलब दंतुकता, मतलब दो दांत जुड़ रहे हैं, मतलब दो ओ नेगेटिव जुड़ रहे हैं, तो सिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड। ऐसे ही एक और हम एग्जांपल पढ़ते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2CH2CO, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, ये भी सेंट्रल मेटल आइटम को देखता है, और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, ये भी मेटल। तो आपने देखा कि ये रिंग बन गई है, एक कितने एटम्स की रिंग बनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एटम्स की रिंग बनी है, ऐसे ये भी 5 एटम्स की रिंग बनी है, और जो 5 एटम रिंग होती है ये बहुत स्टेबल होती है। तो ये क्या है, अब इसको आप दो हिस्सों में नहीं बांट सकते, क्योंकि ये NH2 और O नेगेटिव डिफरेंट डिफरेंट एटम है, तो इसको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड, एसिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड। आई होप आपको सिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड और एसिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड का मतलब समझ में आ गया हो। तो C2O4-2 क्या होता है, सिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड। NH2CH2COO- क्या होता है, एसिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड। ऐसे ही एक और हम एग्जांपल पढ़ते हैं इथाइलिन, अभी जो मैंने ऊपर कराया था इथाइलिन डाई अमीन EDTA, इथाइलिन, हम इसके नाम से इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, इथाइलिन CH2CH2 डाइअमीन, मतलब कि N डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, ये NH2 के चार एसिटेट हो गए, CH2COO- CH2COO- N से CH2COO- CH2COO-। अब आप देखिए इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, इसको बोलते हैं EDTA, आप नेम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट, अब ये हेक्सा डोनर एटम है, मतलब कि पॉलीडेंटेड है, 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो क्या है बेसिकली 1, 2, 3, 4, 4 तो ये ऑक्सीजन, पांचवा ये नाइट्रोजन, छठा ये नाइट्रोजन, तो ये 6 डोनर एटम होते हैं इसमें, या 6 लोन पेयर देते हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, तो इनको ऐसे टाइप के लिगेंड्स क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये भी मेटल आयन से जब जुड़ते हैं तो रिंग का फॉर्म करते हैं, इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं, चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ये था हमारा नेगेटिव आयन, नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में।
हमने ऊपर पढ़ा कि लिगेंड्स तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड उसमें सफिक्स ओ लग जाता है, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड इसमें क्या होता है सफिक्स ईएम लग जाता है, जैसे नाइट्रोसोनियम एनओ प्लस, एनओ टू प्लस नाइट्रोनियम, एनएच टू एनएच थ्री प्लस हाइड्रोजीनियम। ऐसे ही न्यूट्रल लिगेंड में कोई सफिक्स नहीं लगता, जैसे उनको बेसिकली उनके नाम से ही पुकारा जाता है, जैसे H2O एक्वा, NH3 एमीन, NH2 NH2 हाइड्रोजन। ये जो NH2 NH2 होता है, अब आप कहोगे कि इसमें भी तो दो लोन पेयर है, लेकिन ये सिर्फ एक ही लोन पेयर देता है, मोनोडेंटेड ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि NH2 NH2 अगर ये दो लोन पेयर दे तो ये तीन, एक दो तीन, तीन एटम की रिंग बनेगी, और थ्री एटम्स की जो रिंग होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री एटम की रिंग स्टेबल नहीं होती, आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टेरिक स्ट्रेन होता है तो ये स्टेबल नहीं होती, इसलिए हाइड्रोजन जो होता है मोनोडेंटेट की तरह ही काम करता है, मतलब कि एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब एक ही डेंटेड, मतलब एक ही दांत जुड़ता है, मतलब कि NH2 एक ही नाइट्रोजन एटम मेटल से जुड़ता है। ये था हमारा लिगेंड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आज के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट टॉपिक, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी था, ये सब कुछ किसने किया था? अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट ने। इसको अल्फ्रेड वर्नर को क्या बोलते हैं हम? वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता है। तो अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता है, ध्यान रखना। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहता है कि जो एवरी एलिमेंट होता है वो एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, एंड सेकेंडरी वैलेंसी रेफर्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट फिक्स्ड, सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। हम एक एक चीज करके, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वर्नर ने, इसने क्या करे थे, तीन चार टाइप के कंपाउंड्स बनाए थे, तो उस पर इसने एक्सपेरिमेंट करके ये कुछ चीज़ें बताई थी। अब हम वो कंपाउंड्स देखते हैं। तो बेसिकली अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत क्या है या थ्योरी क्या है कि इसने एक कंपाउंड लिया COCl3.6NH3। तो इसने इसमें देखा कि इसकी स्ट्रक्चर बनाई इस तरीके से, CONH3CL3। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि एवरी एलिमेंट जो होता है, जैसे ये सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट, ये दो टाइप की वैलेंसी दिखाता है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे +3, क्योंकि Cl पे नेगेटिव होता है, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ कोबाल्ट पे क्या आ गया? +3 चार्ज। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +3। नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है? 6। तो प्राइमरी वैलेंसी आपकी क्या आ गई? 3। सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ गई? 6। और जो हर एलिमेंट, ये जो होता है सेकेंडरी वैलेंसी, ये हमेशा आ जाती है फिक्स, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये क्या होती है? डायरेक्शनल। ये तो नॉन डायरेक्शनल है, हमेशा मैंने आपको बताया था कि आयोनाइज होगी ये वाली, ये क्या होगा? ये नॉन आयोनाइज होगा, इसलिए ये क्या होती है? आयोनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी वैलेंसी जो ये होती है, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट जो ये होती है, ये क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है, इसकी ज्योमेट्री में कोई योगदान नहीं होता। ज्योमेट्री किसके कारण होती है? इन NH3 के कारण ही होती है, जो हम आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? डायरेक्शनल होती है, नॉन, ये आयोनाइज नहीं होती है, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये चीज तो आपने पढ़ ली। अब इसने क्या करा? ज्योमेट्री बनाई। तो प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी की ज्योमेट्री, तो सेकेंडरी वैलेंसी को तो इसने ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए सॉलिड बॉन्ड से दिखाया, 4, 5, 6।
ये क्या आ गया आपके 6NH3। और प्राइमरी वैलेंसी को किससे दिखाया, ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये भी कई बार आपको ज्योमेट्री में पूछ लेते हैं कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है, कितनी प्राइमरी वैलेंसी है NH3। ठीक है, ये तो हो गया आपके 6 सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी इसने डस्ट 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 करके दिखाई 3 क्लोरीन से डस्ट, तो प्राइमरी वैलेंसी को किससे, डस्ट 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 से दिखाते हैं, सेकेंडरी वैलेंस सॉलिड लाइन, तो 3 क्लोरीन आयन इसने प्राइमरी वैलेंसी में दिखाए। तो इस तरीके से इसने ये ज्योमेट्री बनाई। अब नेक्स्ट हम इसने कंपाउंड बनाया कोबाल्ट का ही दूसरा कंपाउंड, कि जो हर एलिमेंट होता है वो सेटिस्फाई करता है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसने अब नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनाया, COCl3.5NH3। प्राइमरी वैलेंसी क्या रहेगी आपकी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी तो क्या होगी आपकी, वही नेगेटिव चार्ज वाले आयन, तो यानी कि 3। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी आपकी, 6, क्योंकि ये तो फिक्स है। ठीक है, तो आपने देखा कि कोबाल्ट को हमेशा 6 तो बनाने ही बनाने हैं, मैंने पूरे बताया फिक्र कोपट को, तो NH3 5 Cl ये तो फिक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 5 कोबाल्ट प्लस 3 6 कोऑर्डिनेशन दिखाएगा, तो 5 Cl। अब 1 Cl अंदर चला गया तो बाहर कितने रह गए, Cl2, 2 ही Cl। तो आपने देखा कि 2 Cl ही आयोनाइज हो रहे हैं, तो एक जो Cl है, सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 रहे, प्राइमरी वैलेंसी 3 है, लेकिन एक जो Cl है वो क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में भी योगदान दे रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बना रहा है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, CO5NH3 तो सॉलिड, 3 4 5 6, तो 5 2 3 4 5 तो हो गए NH3, जो कि कंप्लीट सेकेंडरी वैलेंसी है, लेकिन एक Cl जो है वो प्राइमरी वैलेंसी भी है, डेस्ट डेस्ट डेस्ट, और सेकेंडरी वैलेंसी भी है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दिखाते हैं उनको हम सॉलिड और डेस्ट डेस्ट से दिखाते हैं। और क्या होता है कि 2 Cl आपके ओनली प्राइमरी वैलेंसी है, तो प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6, बट ओनली प्राइमरी 2, ओनली सेकेंडरी 5। ओनली प्राइमरी अगर पूछे तो आप क्या बताओगे, 2। ओनली सेकेंडरी या ओनली कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी पूछे तो आप बताओगे 5। अगर यदि आपसे प्राइमरी पूछ ले केवल ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में, तो 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6, ये तो फिक्स है। नेक्स्ट, अब इसमें देखो आप आयोनाइज कितने हो रहे हैं, क्लोराइड आयन 2। अगर हम AgNO3 के साथ इसका अवक्षेप या प्रेसिपिटेशन कराते हैं तो 2 AgCl निकलेंगे, उसमें कितने आयन निकलेंगे, 3 AgCl। टोटल आयन कितने हो गए, 2 ये और 1 ये, तो टोटल आयन कितने हुए इसमें, टोटल आयन 3। ये चीजें याद रखना, क्योंकि इसने क्या किया था, आगे जो कंडक्टिविटी टेस्ट की थी, तो इसकी कंडक्टिविटी से इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसमें क्या है, टोटल 1 3 और 1 4, टोटल कितने हैं, 4 आयंस, तो इसमें जितने ज्यादा आयंस उतनी ही कंडक्टिविटी ज्यादा, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, ज्यादा। इसमें क्या है, आगे 3 ही आयन है, तो कंडक्टिविटी उससे लो। और अब इसने नेक्स्ट एक और कंपाउंड बनाया, उसकी कंडक्टिविटी इससे भी ज्यादा लो हो गई। नेक्स्ट क्या कंपाउंड लिया, CONH3 की 4Cl2Cl, मतलब कि COCl3 डॉट NH3 कितना है अब आपका, 4। तो अभी ये कॉम्प्लेक्स कैसा बना, ऐसे ऐसे क्यों बना, क्योंकि कोबाल्ट हमेशा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा, तो 4 तो NH3 हो गए, अब 2 अंदर Cl चले गए, अंदर 2 Cl के कारण क्या, बाहर कितने रह गए, 1 Cl। तो प्राइमरी वैलेंसी फिक्स, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की, +3 तो 3। सेकेंडरी वैलेंसी 6, ये भी फिक्स है। नेक्स्ट, अब प्राइमरी वैलेंसी जो ओनली प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी आपकी, 1, क्योंकि सिर्फ आयोनाइज कितना हो रहा है, 1 क्लोरीन। और ओनली सेकेंडरी कितनी होगी आपकी, 4,
क्योंकि दो क्लोरीन प्राइमरी का भी काम कर रहे हैं और सेकेंडरी का भी काम कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, अब कोबाल्ट में चार NH3 जो है वो तो ओनली सेकेंडरी है, चार NH3, और जो दो Cl है वो क्या कर रहे हैं, आपके प्राइमरी का भी काम कर रहे हैं, सेकेंडरी का भी काम कर रहे हैं, और एक सीएल जो है आपका वो क्या है, ओनली प्राइमरी का है। अभी इस स्पीशीज को अगर आप आयनाइज करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन इज नेवर आयोनाइज, और एक क्लोरीन, तो एक Cl और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल आयन आपके कितने हो गए, 2। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो और भी लो हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टोटल अमाउंट ऑफ आयन्स पे। आई होप आपको वर्नर थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो वर्नर ने दो टाइप की वैलेंसी बताई, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनाएंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, इसलिए वो चीज़ याद रखना, पिक्र कोपट को, निकुंजन पट, ये सब चीज़ें याद रखना। आज के लेसन में, आज के चैप्टर में इतना ही, आज के टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। अगले जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसमें हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने वाले हैं, उसकी बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।